टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हु इज स्टीव जॉब्स। तो आज हम स्टीव जॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं और उनके कुछ कोटेशंस हैं जिन्हें हम क्लैरिफाई करके आपको बताएंगे। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम बाय लुकिंग बैकवर्ड। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। आपको ये मानना पड़ेगा कि यार जो काम आपने पास्ट में किए हैं या फिर जो काम आप कर रहे हो वो आपको पता तो नहीं चलेगा कि फ्यूचर में उसका क्या नतीजा होगा, क्या रिजल्ट्स होंगे, बट आपको अगर आप मतलब विल पावर रख के अगर वो पूरे काम आप शिद्दत के साथ करते रहो तो आपको एक फ्यूचर में अच्छा नतीजा तो ज़रूर मिलेगा। बट किसी को पता नहीं है, इसी वजह से इनका ऐसा मानना है कि आपको वो डॉट्स कनेक्ट करते चलते जाना है, बट समहाउ वो जो डॉट्स हैं जो आपने चीज़ों किए हैं जो फ्यूचर में जो पास्ट में चीज़ें किए हैं जो कर रहे हो उसका मतलब नतीजा फ्यूचर में आपको ज़रूर मिलेगा। वो जो डॉट्स हैं वो आपको सिर्फ कनेक्ट करते जाने हैं। आपको नहीं पता है कि यार फ्यूचर के मतलब पास्ट के जो आपने काम किए हैं वो कैसे कनेक्ट होंगे, बट इनका ऐसा मानना है कि समहाउ दे विल कनेक्ट इन फ्यूचर। वो आपको पेशेंस रखना है और वो आप में विल होनी चाहिए कि हाँ यार ये कभी ना कभी तो कनेक्ट हो ही जाएगी। इनका ऐसा मानना है कि आपका जो काम है वो आप करते रहिए, आपके जो मतलब जो चीज़ें भी आप कर रहे हो आपको कभी कभी लग सकता है कि यार ये मेरे फील्ड से अलग है, ये मेरे फील्ड से मतलब कुछ और ही है, मैं इसे क्यों करूँ, बट वो भी समहाउ आपके फ्यूचर में कभी ना कभी कनेक्ट हो जाएगा, कभी ना कभी आपके लिए यूज़फुल होगा। तो इनका ऐसा मानना है अगर आप कुछ चीज़ें अगर आप करना चाहते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये उतनी पोटेंशियल नहीं है मेरे फ्यूचर के हिसाब से, ये मुझे करने नहीं चाहिए, फिर भी आप अगर वो चीज़ें करो तो समहाउ दैट विल कनेक्ट इन द फ्यूचर। अब बहुत सी मतलब करियर ऑप्शंस है, बहुत लोग कहते हैं कि यार मैं फ्यूचर में कुछ और करना चाहता हूँ, वो बहुत ही बड़ा ड्रीम है, बट अब मैं फ़िलहाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो यार आप वो ऐसी कोई चीज़ करो कि जो अब यूज़ हो आपको, मतलब अब आपको वो मतलब टाइम स्पैन के लिए आप ग्रोथ पा सको उस चीज़ से और वो आपको फ्यूचर में भी काम आए, जब भी आपके पास उतना टाइम उतना मनी उतनी पावर हो कि आप जो आपका ड्रीम है वो पूरा कर पाओ। तो इनका ऐसा मानना है वो डॉट्स समहाउ कनेक्ट हो जाएंगे, आपको सिर्फ चलते रहना। इफ़ मैन थिंक्स दैट एनीथिंग हैपनिंग is good, we can find something extraordinary in that, but don't cry by thinking nothing is in my favor। जब एक मतलब इंसान सोचता है कि हाँ यार बहुत ही अच्छा हो रहा है तो वो उस चीज़ों में से कुछ बुरे भी हो चाहे कैसे भी चीज़ें हो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकाल सकता है, बट जब हम रोते हैं कि यार मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे मतलब मैं उस पोटेंशियल में नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे फेलियर ही आ रहा है, अगर आप ये चीज़ें बार बार कह रहे हो तो आप वो जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ आप ढूंढ सकते थे वो भी आप फेवर में नहीं होगी, क्योंकि आप खुद ही मान रहे हो कि नथिंग इज इन माय फेवर। अगर आप मतलब क्राई करते रहो तो कोई भी आपके फेवर में नहीं आएगा। तो इनका ऐसा मानना है जो भी चीज़ आपके फेवर में है उसी को लेके आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ बनाइए, जो संसाधन आपके पास है उसी सबको लेके उसी को जोड़ के आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, बट आप में वो पेशेंस होना चाहिए, वो आप में एक चीज़ होनी चाहिए जो कि आपको मिला सके, और एक मतलब हमेशा के लिए एक पेशेंस रखो कि यार कभी ना कभी ये चीज़ें मुझे यूज़ होंगी। तो इनका ऐसा मानना है जो भी आपके साथ होता है वो अच्छे के लिए होता है, और आपको ये मानना पड़ेगा, जब तक आप मानोगे नहीं तब तक आपकी ज़िंदगी आसानी से नहीं बीतेगी। इनोवेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन लीडर एंड फॉलोवर। आपने बहुत मतलब रतन टाटा जी के मतलब एक लड़का है, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, बट बहुत ही लकी लड़का है ऐसे सब लोग मानते हैं, बट वो लकी नहीं यार। इनोवेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोअर एंड लीडर। वो भी रतन टाटा जी की कंपनी में काम करता था, बट उसने क्या किया, एक इनोवेशन किया, उसे कुत्तों को मतलब बहुत ही मतलब प्यार था कुत्तों से, और उसने देखा कि यार कुत्ते तो ऐसे रोड पे एक्सीडेंट से मर रहे हैं, तो उन्होंने एक इनोवेशन किया कि वो एक डिज़ाइन वाला बेल्ट बना दिया उन कुत्तों के लिए, ताकि एक बाइक चलाने वाले बंदे को या फिर कार चलाने वाले बंदे को वो दिख सके। तो इनका एक इनोवेशन किया उसने, तो वो फॉलोवर से लीडर के कैटेगरी में आया, और उस वजह से रतन टाटा जी ने उसे एक्सेप्ट किया, ना कि सिर्फ वो कुछ भी चीज़ें ऐसी करता है। एक फॉलोवर को कोई मतलब एक्सेप्ट नहीं करता, एक लीडर को ही लीडर पहचान सकता है, और रतन टाटा जी ने उसे पहचान लिया। तो इनका ऐसा मानना है कि कभी मतलब लक को मत मानिए, एवरीथिंग हैपेंस इज़ योर फॉल्ट। तो हमेशा खुद पे लीजिए, जब तक आप खुद पे लोगे तब तक आप वो चीज़ें आसानी से कर सकते हो, क्योंकि यार आपको पता है कि अगर मुझे यहाँ पे हार्ट अटैक आया इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैंने पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें खाई होंगी, ऐसे कुछ
एक्शंस लिए होंगे जिसकी वजह से आज मैं इस लेवल पे हूँ। तो आपको वो चीज़ें निर्धारित करनी पड़ेगी, और इसके आगे भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूँगा जिससे मैं अपने हेल्थ को अच्छा कर सकूँ। तो अगर आप ये पूरी चीज़ें खुद पे लेते हो तो आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो। एक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। बहुत से लोगों को लगता है कि यार इनोवेशन मतलब सब कुछ चेंज कर देना, सब कुछ बदल देना। इनोवेशन इट डजेंट मीन दैट इनोवेशन यू कैन चेंज द वर्ल्ड। इनोवेशन वो होता है जो लोगों की ज़रूरत है बट उन्हें पता नहीं है, और आप कुछ ऐसी चीज़ ला रहे हो उनके लिए जो कि एक मार्केट के नतीजे पे आ रही है। यानी कि जैसे मार्केट को चीज़ चाहिए बट उन्हें पता नहीं है कैसे पाए, वो चीज़ आप मार्केट को दे रहे हो। तो दैट इज़ मीन बाय इनोवेशन। लीडर डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, दे चेंज द टाइम। जितने भी आपने बड़े बड़े लीडर्स देखे होंगे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन होंगे, आइजैक न्यूटन होंगे, इलॉन मस्क जी होंगे, स्टीव जॉब्स, बिल गेट होंगे, या फिर जेफ बेजोस या मार्क जुकरबर्ग, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अपने टाइम को ही चेंज कर देते हैं, ना कि खुद चेंज होते हैं। अब मार्क जुकरबर्ग ने बहुत ही आइडिया अच्छी लाई, फेसबुक बनाया, और आज देखिए उस वो कहाँ पे है। अब जैसे जेफ बेजोस भी देखिए, उन्होंने टाइम के मुताबिक नहीं चले, मतलब 1996 में किसी को मतलब ऑनलाइन की कोई भनक भी नहीं थी उस टाइम पे, उन्होंने एक टाइम चेंज किया, वो जो बेल्ट था उन्होंने वो सरका दिया, और आज देखिए वो कहाँ पे है। तो इनका ऐसा मानना है कि लीडर टाइम को चेंज करते हैं, ना कि चेंज टाइम के साथ चेंज होते हैं। बींग द रिचेस्ट मैन इन सेमेट्री डजेंट मैटर टू बी गोइंग टू द बेड एट नाइट सेइंग वी हैव डन समथिंग बेटर, दैट्स व्हाट मैटर टू बी। अगर आप बहुत ही दुनिया में बहुत ही अच्छे मतलब सबसे रिच भी बंदे हो, और आप रात में जाके मतलब आपको घुटन से होती है कि यार मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपने जीने का। अगर आप दुनिया के मतलब सबसे अमीर भी इंसान हो और आपको ऐसा लगता है कि मैंने आज कुछ नहीं अच्छा काम किया है, कुछ काम ऐसे मैटर हो जो दुनिया के लिए यूज़फुल हो, ऐसे कोई काम नहीं किया है, तो क्या फ़ायदा आपके जीने का। और एक जगह पे वो कोई भी नहीं है, अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी जी रहा है और ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जो कि ह्यूमैनिटी को चाहिए, और उसकी भी लाइफ उस रिचेस्ट पर्सन से भी अच्छी होगी। तो इनका ऐसा मानना है जो भी आप करोगे ह्यूमैनिटी को मद्देनज़र रखे ही करना, क्योंकि आप सबसे रिचेस्ट हो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे अच्छे काम करते हो, राइट। डोंट बी लिमिटेड, इनका ऐसा मानना है कि लिमिटेड अपने खुद पर लिमिट मत डालो यार, आपको इसी गेट में मतलब चार दीवारों में क्यों बैठे हो। आज दुनिया मतलब आज एक मोबाइल के साथ एक बंदा पूरी दुनिया में वायरल हो सकता है, तो आप एक दीवार में ही क्यों सिमटे हो। तो इनका ऐसा मानना है खुद को लिमिटेड मत बनाइए, खुद को अनलिमिटेड बनाइए। जितनी भी दुनिया की ताकत है वो आप ही के लिए बनी है, और आप उसे यूज कर सकते हो, उतना आप में पोटेंशियल है, दुनिया ये पूरी की पूरी आप में है। Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Steve Jobs. इनका ऐसा मानना है कि ये जो टाइम है वो लिमिटेड है, तो किसी और के लिए अपनी ज़िंदगी स्पेंड करने में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। तो इनका बेसिकली जॉब करने वालों का मतलब तरफ इशारा है, या आप कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपको याद करे, ना कि आप कुछ ऐसा करो कि उसकी वजह से कोई दूसरा मतलब दूसरे को दुनिया याद रखे। अब मेरा ऐसा मानना नहीं है कि यार एम्प्लॉयज़ मत बनिए। अब जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे टिम कुक और बहुत सुंदर पिचाई, ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ भी हैं जिनके जो बहुत ही फेमस है, जिनके एक एक डिसीजन पूरी दुनिया को बदल सकता है। बनना है तो वैसे बनिए ना, या फिर कुछ मत बनिए, क्योंकि अगर कुछ बनना ही है तो वो बनिए। अगर बन के भी कुछ आपको मिल नहीं रहा है तो बन के क्या फ़ायदा, तो आराम से अपनी ज़िंदगी बिताइए अगर उस लेवल पर नहीं जाना चाहते तो। इट्स ऑल, यही तक था वीडियो, और आगे भी बहुत बहुत अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, जैसे ब्रूस ली, कलाम जी पे, और अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। तो बाय बाय।